डार्लिंग, ए, तुम नहाने चली गई क्या? अरे ओ जी, सुबह सुबह पूरे घर को सर पे क्यों उठा रहे हो आप? शोना, मैं सुबह जल्दी उठ गया था, नहा भी लिया, कपड़े भी पहन लिए, अब काम पर जा रहा हूँ। जल्दी से चाय लेकर आ। चाय कैसे बनाओ, अभी तक दूध वाला नहीं आया। दूध वाला नहीं आया? भैंस ने दूध नहीं दिया या दूध वाले ने आवाज नहीं दी? पतीला लेकर आ, मैं खुद लेकर आता। अरे यूनिफॉर्म पहनकर आप दूध लाएंगे क्या? अरे पगली, ये यूनिफॉर्म पहनकर लोग कितने बुरे काम करते हैं, तो मैं दूध नहीं ला सकता क्या? मेरा मतलब पापा। क्या बेटा? पापा यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं बताइए? यूनिफॉर्म इसलिए पहन, मैं बताती हूँ। ये वर्दी ना कितने भी दिन पहनने से मैली बिल्कुल नहीं लगती, और 15-20 दिन तक बिना नहाए बांस लेकर रहा जा सकता है, और ना इन पुलिस वालों की पत्नियों को कपड़े धोने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सही है। और ये टोपी, सर खुला रहने से कोई भी टोपी पहना देगा ना, इसलिए इन्होंने पहले ही पहन रखी है। और ये बेल्ट, खा खा कर मोटा ना हो जाए और सीधी तरह काम करे, इसलिए बेल्ट पहनने को कहते हैं। और अब ये लाठी, रात को सीटी मारकर राउंड पर घर जाते हैं ना, गली के कुत्ते ऐसे ही छोड़ देंगे क्या इन पुलिस वालों को? भाव भाव करते हैं, इसलिए उन्हें भगाने के लिए इन्हें ये लाठी दी है। माँ तुम गलत कह रही हो, ये वर्दी त्याग का प्रतिरूप है। हाँ। टोपी धर्म रक्षा के लिए है, बेल्ट समाज की रक्षा के लिए, और लाठी अपने बिगड़े जीवन को सुधारने के लिए। यूनिफॉर्म पहनने के बाद अमीर गरीब अपने पराए ये सब भेदभाव छोड़कर सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। पुलिस को ना हमेशा चट्टान की तरह रहना चाहिए, किसी के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। पुलिस को देखकर लोगों का सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। ओहो, अरे वाह 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 वाह, मेरा सोना दिल का टुकड़ा, आजा 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 मेरे पास बेटा आजा। अरे इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ जानती है तू, मैं तुझे ना IAS ऑफिसर बनाऊंगा। चिकन बिरयानी, कलमी कबाब, लेग पीस। अरे क्या कर रही है तू? अरे छोड़ मुझे, क्या कर रही है? जान से मार देगी क्या? आहा, क्या सुगंध है देसी मुर्गी की। सारे लेग पीस मैं खाऊंगी, बाकी सब आप खाइए। अरे अरे, ए क्या हुआ है तुझे? ए सोना प्यारी, क्या हुआ है तुझे? मुर्गी मुर्गी, सपना देखा क्या? बता ना। मेरे सुबह का सपना है जी। मतलब सच होगा? मेरे दादाजी कहते थे सुबह का सपना सच होता है। ओ जी, मैंने सपने में देसी मुर्गी की करी, चिकन बिरयानी, चिल्ली चिकन, कलमी कबाब, सब कुछ खा लिया जी। ले 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 ले, सपने में इतना सब खाया, वेरी गुड। अब चल सोते। ओ जी बात सुनिए, अब मुझे ये सब खाना है, लेकर आइए अभी। हाँ? अभी कहाँ से ला कर दूँ मैं तुझे? ए सोना प्यारी, समझने की कोशिश कर, मैं एक मामूली हवलदार हूँ, मुझे जो पगार मिलता है उन पैसों में से मैं वो उस चीज को क्या कहते हैं, वो गोभी मंचूरियन, चिकन कबाब, लाठी दिखा कर लाता हूँ मैं। उसके अलावा ये 65-55 कहाँ से लेकर आऊंगा? नहीं होगा क्या? नहीं होगा तो बाकी चीजें भी बंद समझिए। ऐसा नहीं कहते प्यारी, मुझे एक चुम्मी देना। ये सब भी बंद है, मैं कह रही हूँ मैं नहीं जानती, मुझे हर हाल में चाहिए, आप कैसे भी लाकर दीजिए, नहीं तो आपको पता है मैं आपका क्या हाल करूंगी। आना सोना नहीं क्या? ये औरतें भी ना, हमें बेडरूम नाम की जगह पर बंद करके हमें पीसने का काम करते हैं। भारत बंद हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इसे कैसे बर्दाश्त करे, वो भी इस मूड में। अच्छा ठीक है, अपने दोस्त से कहकर 2-4 दिनों में सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगा। इसके लिए भी मना, उसके लिए भी मना। गोविंदा। नमस्कार बॉस। हाँ आजा। बता क्या बात, सुबह सुबह बुला लिया, क्या बात है? हाँ तेरी आरती उतारनी है, मारूंगा ना साले, आया बड़ा नौटंकी। ए कल स्टेशन में आकर हफ्ता देने वाला था ना, क्यों नहीं आया तू? सॉरी बॉस। लोफर, मैं और मेरी पत्नी पिक्चर देखने के लिए PVR में गए थे, उसके बाद 5-स्टार में खाना खाकर आने में देर हो गई। अच्छा हाँ, ये लीजिए बॉस। शुक्र है आखिर ले आया। ए गोविंदा बॉस,
मेरी पत्नी को मुर्गी खाने की इच्छा हो रही है, किसी तरह से चार पांच मुर्गियों को थाप कर लेकर आ जा। मतलब चुरा कर लेकर आ। क्या बॉस, पैसे देंगे तो दुकान में भी मिल जाएगी। पैसे देने से दुकान में तो मिल जाएगा, लेकिन उसे खाने में मजा नहीं आएगा। चुरा कर खाने में ही तो असली मजा है। साले पुलिस की बेइज्जती क्यों कर रहा है? चोर की औलाद, तुझे मैंने किस लिए रखा है? काम करने के लिए। तेरा काम क्या है? चोरी का काम। तो फिर मुर्गी चुरा कर ले आ। हाँ गोविंदा, चोरी करने में तो तू बहुत ही माहिर है। आज एक देसी मुर्गी ले आ। ओके मैडम। मैडम की बात जल्दी मान गया। पापा, आप अपनी पगार के पैसों से भी तो ला सकते हैं। बेटा मैं सरकारी नौकर हूँ, मुझे जो पगार मिलता है ना उसमें से मुर्गी तो क्या, मुर्गी का अंडा लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। इसलिए हफ्ता लेकर हम थोड़ा अच्छे लेवल की जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तुम्हारे स्कूल में गांधी जी के बारे में तो बताया ही होगा। गांधी जी की तरह जिंदगी गुजारने गए ना तो हमारे बदन पर सिंगल कपड़ा भी नहीं बचेगा। तो क्या आप इन्हें चोरी करने के लिए कहेंगे क्या? अरे ऐसा मत बोल बेटा, चोर पुलिस दोनों एक ही होते हैं। हम दोनों ना जुड़वा बच्चों की तरह हैं। हम में ना बहुत अंडरस्टैंडिंग है ना? बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी शादी तो करवानी पड़ेगी। पैलेस में शादी करवाना ना हुआ तो भी तेरे बाप की लाज रखने के लिए सीताराम राधे कृष्ण मंडप में तो कम से कम करवानी पड़ेगी ना। उसके लिए तुम्हारे बड़े होने तक ऐसे 10 और चोरों को इकट्ठा कर लूंगा ना, तो वो भरपूर पैसे कमा कर देंगे और तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ले जाओ इसे। चल बेटा, तू ये सब नहीं समझेगी, तू जाकर मुर्गी लेकर आ जा। ओके बॉस। ए प्यारी, मसाला रेडी कर लेना। खाना तो बढ़िया लग रहा है। डायमंड नेकलेस, अंगूठी, रेशमी साड़ी, सोने के झुमके, मोतियों का हार। ए, कोई है क्या? अरे जल्दी से बाबा को लेकर आ रहे हैं। की बालियां भूत ने पकड़ लिया है। शोना, शोना, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ? आज फिर सपना देखा क्या? हाँ। अरे तुम भी ना। क्या हुआ? मेरे ना सपने में ना हमारी कुल देवी अंबिका आई और मुझसे बोली। देवी माँ आई थी क्या? हाँ। देवी सुबह सुबह आप इसके सपने में आई माँ? सुनूंगा माँ, आप जो कहेंगी उसका पालन करूंगा माँ। सुनिए तो। माँ तुम्हारे गले मिली क्या? नहीं जी। नहीं तो फिर तुम माँ के मंदिर में जाना, जहाँ पानी का कुंड है उस ठंडे पानी में नहाना और उस मंदिर की 100 बार परिक्रमा करना, ऐसे कहा ना माने? नहीं। तो फिर उस देवी के नाक में जो नथनी है ना, है ना? उसी तरह तू भी बना, ऐसा कहा उन्होंने। गया काम से। बाद में उस माँ के गले में मोतियों का जो हार है ना, ठीक वैसा ही मोतियों का हार तू भी बना, ऐसा कहा माने? मतलब गई भैंस पानी में। माने एक और भी बात कही होगी, उनके हाथ में जो सोने की छुरी है ना, वैसी एक छुरी तुम भी बनाकर अगर तेरा पति ये करने लगे तो घटा करके उसके पेट में घुसा देना, ये भी कहा होगा ना? ए, ये क्या कह रहे हैं आप? एक हवलदार होकर चोर की तरह बात कर रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं आता आपको? हाँ, आप कोई अमीर आदमी है सोचकर मैंने शादी नहीं की। सोचा हेड कांस्टेबल है, समथिंग इमथिंग सोचेंगे और मुझे सोने से ला देंगे, सोचकर मैंने आपसे शादी की। समथिंग क्या? हाँ, समथिंग इमथिंग करके मुझे अपना दुखड़ा मत सुनाइए। हाँ, इस बंदर जैसे मुंह वाले से कौन शादी करता? देखिए, ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ। अगर मैं ढेर सारे गहने पहनकर साक्षात लक्ष्मी की तरह इस घर में घूमूंगी ना, तो आपका नसीब खुल जाएगा और आपको हेड कांस्टेबल से सीधा इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा जी। और इतना ही नहीं, मैं आपकी आंखों के सामने सुहागन रहकर 100 साल जिंदगी गुजारूंगी जी। वाह, ये सब माँ ने तेरे सपने में आकर कहा? धन्यवाद माते, ये सब ठीक है माँ। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बनना भी ठीक है, लेकिन समथिंग इमथिंग चाहिए क्या माँ? चाहिए क्या है? हाँ? क्या चाहिए आपको? हाँ? ये सब लाकर देना ही होगा, नहीं तो फिर क्या? बेडरूम बंद होगा, रसोई घर बंद होगा, दूध बंद हो जाएगा, ऑल बंद। अरे मेरी रानी, इधर आ, नाराज मत हो। आज रात को मैं ना मेरे जैसे ही 2 फटीचर कांस्टेबल को राजा मार्केट में भेजकर वहाँ के सारे दुकानों को साफ करने को बोल दूंगा, और साथ में SB रोड पर गर्मा गर्म पकौड़े और गर्मा गर्म जलेबी बनाते रहते हैं, वो भी पार्सल लेने के लिए कह दूंगा। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है। अब कुछ भी बंद नहीं है, मतलब सब ओपन। यस। सुनो, सुबह मुझे 6 बजे थाने पहुंचना है, इसलिए 5 मिनट मुझे तुम्हारे साथ बिताने दो। आओ आओ, चादर ले लो। हाँ।